अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बनाने वाले हैं सादा पान और मीठा पान। इससे पहले भी मैंने पान की रेसिपियाँ डाली हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद आई और माशाल्लाह मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ये पान लिए हैं, तो पान हमने यहाँ पर बंगला लिए हैं। इससे पहले जो पान की रेसिपी हमने बताई है वो हमने मीठी पत्ती के पान से आपको बताई है। ये कत्था है और ये चूना, गुलकंद, गुलाब कतरी, हरी और लाल दोनों को मिक्स करके लिया है। तो कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो मीठे पान में जाएंगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सादे पान में जाएंगी। चेरी, पिपरमेंट, तो पिपरमेंट ये इस तरीके का होता है, इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, तो आप अपने हिसाब से डालें। इतना पिपरमेंट हम तीन पान में डालेंगे। लौंग, इलायची और छालिया, सौंफ, नारियल का बूरा, पान की चटनी, ये मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है। और ये चमन बहार, तो चमन बहार भी मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। चमन बहार पान में खुशबू लाता है और इसमें एक अच्छा सा टेस्ट भी आता है। चलिए तो शुरू करते हैं बनाना। तो पान पर सबसे पहले हम चूना लगाएंगे, तो चूना आप बहुत कम लगाएं, अगर ज़्यादा लगाएंगे तो इससे मुंह कट सकता है। तो ये पान में चूना लगा दिया, तो ये पान पर हमने चूना लगा दिया है। अब इस पर लगाएंगे कत्था, तो कत्था भी आप हिसाब से ही लगाएं, कत्था भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो इससे भी मुँह कट जाता है। तो ये पान पर हमने कत्था और चूना दोनों लगा दिए हैं। अब इस पर डालेंगे हम छालिया, अब इलायची डालेंगे, तो इलायची को इस तरह तोड़कर डालेंगे। एक पान में हम आधी इलायची डालेंगे। अब इसमें डालेंगे चमन बहार, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सादे पान में और मीठे पान में दोनों में जाती हैं। अब इसमें डालेंगे हम ये पिपरमेंट, तो पिपरमेंट को भी हम इस तरह तोड़कर डालेंगे, ये देखिए। अब इसमें से सादे पान और मीठे पान दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे, तो चार पान हम मीठे लगा रहे हैं और तीन पान हम सादे लगा रहे हैं। तो अब जो मीठे पान लगा रहे हैं उसमें हम मसाला डालेंगे, तो ये नारियल का बूरा, सौंफ डालेंगे। अब मीठे पान में डालेंगे चटनी, चटनी के बाद में डालेंगे इसमें गुलकंद, अब डालेंगे इसमें गुलाब कतरी और इसमें आधी आधी चेरी डाल देंगे। चलिए तो ये मीठा पान बनकर तैयार है, अब इसे करेंगे हम बंद। तो इस तरह उठाएंगे और इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह घुमा देंगे, इस तरह हमने इसे फोल्ड कर दिया है। अब ऊपर हम थोड़ा सा ये नारियल का बूरा डाल देंगे और हल्के हाथों से इसे हम इस तरह दबा देंगे और हल्के हाथों से हम इसे कर देंगे बंद और ऊपर लगा देंगे ये लौंग। तो ये मीठा पान बनकर तैयार है, प्लेट पर रख देंगे और इसी तरह हम सारे पानों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये चार मीठे पान तैयार हो गए हैं। अब ये बनाएंगे हम सादे पान, तो सादे पान को कुछ नहीं करना है आपको, बस पान उठाएं और इसे इस तरह बंद करें, ये देखिए, और ये बंद हो गया। इस पर एक लौंग लगा दें, तो ये सिंपल पान हो गया। अब सिंपल पान को हम इस तरह रखेंगे। तो ये चार पान हमने मीठे बनाए हैं और तीन पान हमने सादे बनाए हैं। अगर आप दोनों पानों को सर्व कर रहे हैं, मीठा पान भी साथ में और सादा पान भी, तो मीठे पान में कुछ ऐसी पहचान होना चाहिए कि ये मीठा पान है। तो हम यहाँ पर एक टूथपिक लेंगे और ये चेरी लेंगे, तो चेरी को हम इस तरह टूथपिक पर लगाएंगे, ये देखिए इस तरह लगा देंगे, और ये मीठे पान पर इस तरह लगा देंगे, तो इससे ये पहचान हो जाएगी कि ये मीठा पान है। तो ये मीठे पान को हम इस तरह रख देंगे। अब ये देखने में भी लग रहे हैं कि मीठे पान है और ये सादे पान है, तो आपको सर्व करने में अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप दोनों पानों को एक ट्रे में रखें, और मीठे पान को भी और सादे पान को भी, दोनों पानों को आप इस तरह सर्व कर सकते हैं। तो जिसको मीठा पान पसंद है वो मीठा पान ले ले, जिसको सादा पान पसंद है वो सादा पान ले ले। तो पान की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तगली नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।